निकला है सर 355 करोड़ का। हाँ तो अब कांग्रेस उस घेरे में है क्योंकि धीरज साहू ने, मुझे लगता नहीं कोई घेरे में है, एक कारोबारी है धीरज साहू जो कांग्रेस के सांसद है, उनका 100 साल से भी ज्यादा हो गया उनका कारोबार चल रहा है। मैं उनका एक स्टेटमेंट आज देख रहा था, मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा हूं, मुझे लगता है उस बारे में जिसने रेड्स किया है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के प्रवक्ता ने सामने आकर बताना चाहिए क्या ये ब्लैक मनी है, क्या ये काला धन है या और कुछ है, या हम और आप नहीं बता सकते, ये मीडिया ट्रायल नहीं हो सकती सिर्फ अपोजिशन के लोगों की। अगर इनकम टैक्स के पास जानकारी है ये काला धन है या और कहां से आया है क्या है, उस बारे में इनकम टैक्स के प्रवक्ता बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सुरक्षा के नाम पर लोगों को डराना चाहती है, ये सच है, ये सच है। और 19 तारीख को जो दिल्ली में इंडिया की बैठक है उसमें ये सभी विषयों पर चर्चा हो जाएगी। सर आज मोर्चा निकलने वाला है आपकी पार्टी की तरफ से, कैसे सर दिल्ली का दबाव के बारे में बताते? देखो धारावी बचाओ यह आंदोलन मुंबई में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। धारावी गरीबों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, उन सभी को घर मिलना चाहिए। सालों साल से वो किचड़ में रहते हैं, उनका व्यवसाय उनका व्यापार उनके छोटे मोटे धंधे वहां है, चाहे लेबर हो चाहे स्टील हो चाहे गारमेंट हो चाहे कुम्हार के काम हो, वो सभी को उनका घर और उनका जो छोटा मोटा व्यवसाय है उनके लिए जगह मिलनी चाहिए। लेकिन इस बहाने धारावी डेवलपमेंट के नाम पर ये पूरा 570 एकड़ का प्लॉट, 570 देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 570 एकड़ की जमीन भारतीय जनता पार्टी के दामाद जी श्रीमान अडानी के हाथ में दी जा रही है। मैं ये मानता हूं इस बहाने मुंबई बेचने की यह तैयारी है, ये मुंबई बेचने की तैयारी है और हम ये होने नहीं देंगे। देश का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला इस प्रोजेक्ट में सामने आ रहा है। सर आपकी पार्टी के नेता है जो दाऊद के सहयोगी के साथ नाश्ते नजर आए, उसको लेकर फडणवीस ने कहा कि एसआईटी लगा दो, एसआईटी आप जो है एक एसआईटी की बरसात हो रही है, उसके ऊपर एसआईटी, उसके ऊपर एसआईटी, जो एसआईटी हमने बनाई थी वो तो आपने रद्द कर दी। उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकाल में हमने 3 एसआईटी बनाई थी उससे भी गंभीर विषयों पर, हाँ वो तो आपने, चाहे वो जीतू नवलानी वाली एसआईटी हो या और हो, INS विक्रांत का घोटाला था वो तो आपने FIR पास कर दिया। देखो ये एक राजनीति चल रही है, नासिक में ललित पाटिल जो ड्रग्स माफिया है उनके सीधे संबंध कैबिनेट, 2 कैबिनेट मिनिस्टर से, वो पूरा गुमराह करने के लिए ये एक मैं देखिए चौकशी अगर तब आप जांच कर रहे हैं तो कर लीजिए, हमने कहा रोका है जांच को, लेकिन ललित पाटिल और 2 कैबिनेट मिनिस्टर का क्या साढ़गांठ है, क्या पैसे की लेन देन है, आप उसके बारे में पहले एक एसआईटी लगाइए। अगर एसआईटी लगाई है तो जो जांच के घेरे में जो मंत्री है उनका इस्तीफा लीजिए।